गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पे हो होंगे या कहीं भी होंगे तो सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। और यही दुआ हमेशा करती रहती हूँ कि आपके हर एक इच्छा पूरी होए, हर एक मनोकामना आपकी पूरी होए और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। गाइस, आज मैंने पालक पनीर की रेसिपी शेयर की है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करना और वीडियो को ज़रूर देखें। और गाइस, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करें। जो अगर न्यू है कोई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर कोई न्यू है, और कमेंट ज़रूर करें। और गाइस, काफ़ी सारी रेसिपी की वीडियो है और यहाँ पे कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो यहाँ का व्यू मैंने शेयर किया है काफ़ी सारा पहले वाली वीडियो पे, उसको भी वॉच करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। और गाइस, आपका थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं पालक के पनीर को अच्छी तरह काटा और फिर हम इसको अच्छी तरह अलग अलग पतिया इसको नलके के पानी से इसको धो रही हूँ। और अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी। मैं देख रही थी कि कुकर में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि छोटा कुकर रख दिया था मैंने। अब मैं ऐसे ही इसको अच्छी तरह से कुकर में पैक करके रखूंगी। और इसमें अब मैं आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूंगी और बहुत जल्दी पक जाता है। ऐसे तो हम कढ़ाई में भी इसको उबाल सकते हैं, पर मैंने कुकर में ही उबाला था इसको। और गाइज, आप प्लीज वीडियो को साथ साथ में लाइक भी कर दिया करें। आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी मैंने इसमें डाल दिया था और अब मैं रख दूंगी इसको। इसमें बस 3 सीटियां आई थी। और देखो, अब 3 सीटी के बाद पालक कैसा लग रहा है। तो अब मैं इसको निकाल दूंगी प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो इसीलिए मैंने टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने ये पंखे के नीचे रख दी थी प्लेट, जिससे ये जल्दी ही ठंडा हो गया। और जितनी देर में पालक ठंडा होएगा उतनी देर में मैं पनीर काट लूंगी। और अब मैंने ले लिया है सरसों ऑयल, कढ़ाई में डाल दिया है। जितने में तेल गर्म होएगा उतने में मैं मिक्सी में पालक को पीस लूंगी, इसको ग्राइंड कर दूंगी। ये मेरे छोटे वाले जार खराब हो चुके हैं। साथ साथ में मैं अब धनिया भी पीस रही हूँ, क्योंकि छोटे जार मेरे खराब हो चुके हैं, बड़े में मेरे से पीसा नहीं जाते, ये मतलब होता नहीं है उसमें बड़े वाले जार में, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ही मेरे से पीसा जा रहा है। तो मैं जार ठीक नहीं करवाया है अपना। और क्योंकि मैंने चेक कर लिया था, अभी मेरा पालक थोड़ा ही गर्म था तो मैंने धनिया डाल दिया है। आजकल मैं हम सिंपल ही खाना खा रहे हैं, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाल पा रही हूँ। लोग अब तो बहुत कुछ डालते हैं, तेज पत्ता और बहुत कुछ डालते हैं, हींग डालते हैं, लहसुन डालते हैं, पर मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और
सिंपल ही तड़का लगाती हूँ। और मैंने डाल दिया इसमें वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, कितना भी छोटा करें ये बड़ी हो ही रहती रहती है, पता नहीं क्या करूं मैं। इसको मैंने बहुत शॉर्ट किया। अब मैं पालक को ठंडा हो गया था इसको मिक्सी में डालूंगी। और अब मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है पालक को। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी का 1 चम्मच, मिर्ची मैंने थोड़ी सी डाली थी क्योंकि राजीव मेरा मिर्ची नहीं खाता, नमक भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। और किचन किंग सब्जी मसाला होता है जो हर एक मिक्स वाला होता है जो, वो 1 चम्मच वो डाल दिया था। मिर्ची मैंने बिल्कुल ही कम डाली थी, मतलब डाली नहीं थी इतनी। और अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, टमाटर भी मैंने हाथ से ही काटे हुए, हाथ से मेरे से बारीक बारीक कटते नहीं है, ऐसे ही मोटे मोटे से रह गए। अब मेरा तड़का तैयार हो गया है। मैंने पालक तड़के में डाल दिया है। पता ही नहीं लग रहा था कि कैमरा के फोन के साइड को जा रहा है इसका कैमरा, तो मैंने बाद में ध्यान दिया। इसका कलर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा था कैमरे में। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी उबाली आने के बाद पनीर को, और उसके बाद में फिर से जीरा को पीस के फिर से जीरे को इसके ऊपर डाल दूंगी। और आप इसको मक्खन के साथ चपाती के साथ खा सकते हैं, और आपका मन होए तो आप, कोई कोई मैंने देखा है कि चावल के साथ भी खाते पालक पनीर को, तो आप जैसे भी आपकी इच्छा होए तो इसको खा सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच आप सभी का।